पियाजे की थेरी नो डाउट के वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन सेटअप दैट ही हैज़ एक्सप्लेन द कॉग्निशन प्रोसेस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन रिगार्ड टू द लर्निंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट लेकिन प्याजे के ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत जो है वो हुआ कि प्याजे ने के बात की कि हम सारी ज़िंदगी जो सीखते हैं तो हम स्टेजेस में uh, जो है वो उसको सीखते हैं और बच्चा जो है वो इमेजोरिटी uh, से जब मेजोरिटी की तरफ जाता है तो पहले एक स्टेज क्रॉस करता है फिर वो आखिरी स्टेज पे जाता है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी स्कूल ऑफ थाट्स जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ज़रूरी नहीं है अब दो साल का जो बच्चा है दस बच्चे दो साल के इकट्ठे कर लें तो वो सारे के सारे जो हैं वो जो आपने कहा कि जी इतना अल्फाज होता है इतने वर्ड्स बच्चा सीखता है इस तरह से बच्चे की इतनी हाइट होनी चाहिए इतना वेट होना चाहिए इतन... तो ज़रूरी नहीं है अगर दस बच्चे हम दो साल के एक जगह इकट्ठे करें कि उम्र के तो हर बच्चा जो है उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से वो मुख्तलिफ होगा उसका हाइट मुख्तलिफ होगी पेरेंट्स की जीन्स की वजह से उसकी न्यूट्रिशन की वजह से और इन्वामेंट uh, और अपनी पर्सनैलिटी पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं इंट्रोवर्ट के वो खुद से अपनी ज़ात में गुम रहना ज़्यादा पसंद करते हैं सोशलाइज़ करना पसंद नहीं करते कुछ बच्चे ज़्यादा सोशलाइज़ करना पसंद तो ये सारी नेचुरल कैपेसटीज़ हैं हम किसी भी इंसान को यानी उसके ऊपर जो क्रिटिसज़म ये है कि हम इंसानों को स्टेज़ज़ में एक जैसे डिवाइड नहीं कर सकते बल्कि इंसान नेचुरली ग्रो करता है और हर इंसान की जो ग्रोथ और डिवेलपमेंट है उसकी रफ़्तार जो है वो मुख्तलफ होती है इसलिए हम ये कहें कि जी पहली स्टेज जो है उसमें सेंसेस का इस्तेमाल है और बच्चे इसके अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो ये चीज़ जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो हर वक्त जो है प्याजे उसने स्टेजेस ही की बात की है फिर आगे इन्वामेंटल पार्ट नगलेक्टेड उसने प्याजे कहता है जी हम वी लर्न विद इन विद इन का मतलब है हम दिमाग से जो है वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके सीखते हैं इन्वामेंट के रोल को उसने निगलैक्ट किया है यानी वो इन्वायरमेंट से हम इमिटेट करते हैं या ऑब्जर्व करके सीखते हैं इस चीज़ को वो इतना तस्लीम नहीं करता बल्कि वो कहता है जी हमारा माइंड हमें कमांड देता है तो हम इन्वायरमेंट से उस लिहाज से इंट्रैक्ट करते हैं इनडायरेक्टली अगर हम कुछ देख के सीख रहे हैं तो उस चीज़ को कहता है कि हम तस्लीम नहीं कर रहे बल्कि वो कहता है जी हम दिमाग को यूज़ करके अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं ऐसे पियर प्रेशर से हम अपने हमारे अंदर तब्दीली कोई नहीं आती अगर स्मोकिंग जो है वो एक बच्चा अपने फ्रेंड्स को देख के शुरू करता है तो ये नहीं वो कह रहा है कि जी बच्चे के अंदर टेंडेंसी थी स्मोकिंग की और पीयर प्रेशर ने उसको जो है ऐड कर दिया ऐड ऑन कर दिया जिसकी वजह से बच्चा जो है वो इस स्मोकिंग का जो है शिकार हुआ है तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है थेरी आल्सो सीम्स टू सजेस्ट दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज लार्जली कम कम्प्लीट बाय द एज ऑफ ट्वेल्व तो अब बहुत सारी रिसर्च ने यह कहा कि ये कहाँ भी लिखा है कि जी बारह साल में ही इंटलेक्चुअल कैपेसिटीज़ जो हैं वो कम्प्लीट होती हैं जब इंसान इंडिविजुअली डिफरेंट है तो फिर उनकी जब फिज़िकल ग्रोथ डिफरेंट है इमोशनल ग्रोथ डिफरेंट है मेंटल ग्रोथ डिफरेंट है तो इसी तरह से फिर उनकी जो है सोशल ग्रोथ भी डिफरेंट है तो किस तरह से एक ही उम्र के बच्चे जो हैं वो आ, सेम चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं ये उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म था कि उसने कहा कि जनरली uh, बच्चे जो हैं बारह साल में उनकी जो इंटेलेक्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है तो बाकी थेरिस्ट और रिसर्चर ये कहते हैं कि वेरिड कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ की वजह से हर इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है रफ्तार उसकी मुख्तलफ है इस तरह से uh, प्याजे जो है वो uh, कहता है कि जो मेंटल इमेजेस हैं इंसान के स्कीमज़ की जैसे उसने बात की तो उसने कहा कि जो स्कीमज़ हैं वो हमें किसी भी इन्वायरमेंटल uh, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसकी एक अच्छी या बुरी पिक्चर हमारे दिमाग में वो इंसर्ट करते हैं और उसके मुताबिक हम उसका रिएक्शन देते हैं तो फिर हम जो है इस तरह चीज़ों को सीखते हैं तो बाज़ बच्चे बगैर रीज़न के भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखते हैं कहना ये चाहते हैं थेरिस्ट के ज़रूरी नहीं है कि वो जो है प्रॉपर एक सेंसेस के साथ बच्चे सीखते हैं सेंसेस को uh, हरकत में ला सीखते हैं बाज़ जो है वो अपने और पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके कुछ और भी हो सकते हैं तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है फिर उसने जो बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करके बच्चे एक दूसरे से ज़ुबान सीखते हैं बच्चे बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं एक सोशलाइजेशन से इसको भी जो है प्याजे सोशलाइजेशन से लर्न करने को जो है वो इतना फेवर नहीं करता बल्कि वो यही कहता है कि बच्चे जो हैं अपनी जहानत से सीखते हैं इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन के साथ नहीं सीखते तो इस वजह से भी इसकी थेरी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया तो बावजूद इसके कि इसकी थेरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है लेकिन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के अंदर क्योंकि प्याजे की थेरी ने एक स्पेसिफिकली इंसानों की जो क्वालिटीज़ हैं मेंटल इमोशनल फिज़िकल उसको उसने बड़ा एक्सप्लेन करके डिफाइन किया कि कब बच्चे जो हैं वो कौन सी ग्रोथ की स्टेज पे होते हैं और कब वो क्या सीखते हैं किस तरह से उनके एटीट्यूड हैं जो कि पेरेंट्स को बड़ी हेल्प करती है अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने में और उनको गाइड करने में टीचर्स को बड़ा हेल्प करती है कि वो अपने बच्चों को जो है वो स्टूडेंट्स को उनके एटीट्यूड्स को अंडरस्टैंड करें उनकी इंटलेक्ट को समझें और उसके मुताबिक अपने उन बच्चों को गाइड करें तो इसलिए हम प्याजे की इस थेरी की इम्पोर्टेंस को किसी भी स्टेज पे और ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में इग्नोर नहीं कर सकते जो उसका ऊपर क्रिटिसिज्म है उसके बाद उस क्रिटिसिज्म के बाद बाकी और स्कूल ऑफ थॉट आ गए तो लेकिन हम प्याजे के जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम जो है हमेशा कंसीडर करते रहेंगे